वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एंड में ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे। आई होप आपने पार्ट 1, 2 और 3 देख लिया हो इनकम टैक्स का, और अगर उसमें आपको कोई डाउट आते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आई होप आपके डाउट आगे की वीडियोज़ में अपने आप क्लियर हो जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम लोग हमारी टोटल इनकम निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी कितनी टैक्सेबिलिटी है, कितना हमें टैक्स लाइबिलिटी पे करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस निकालें। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 ऑफ ITR 961 के अंडर एक्सप्लेन किया गया। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंस इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। ध्यान दीजिएगा कि हम हर साल एक पर्सन का डिटरमाइन करते हैं रेजिडेंस स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है कि अगर वो पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट है इंडिया में, हो सकता है कि वो उसके पिछले साल ना हो, यानी कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो जब मैं बोल रही हूँ उसके पिछले साल, तो उसको हम इनकम टैक्स के टर्म्स में बोलते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो ये सिंपल इंग्लिश ही है, प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि उससे पहले वाला। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पर्सन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंस इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मे नॉट नेसेसरली बी सेम इन ईच ईयर। हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। अब वो चेक कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। He may be resident in one year and non-resident in next. तो हो सकता है कि अगर 2020 में कोई person resident था इंडिया का, तो हो सकता है 2021 में वो person resident ना। तो अब ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई resident है या नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ amendment हुआ है finance act में हमारे, जो कि हम लोग कुछ amendments हुए हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल अपडेटेड है ये कि कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस की जो भी एक्सेप्शंस हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम किन किन का पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन किया जाएगा, एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, एक HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, एक फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस, और हम जो AOP BOI यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, इन सब के जो रेजिडेंशियल स्टेटस होंगे वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं एक ही टॉपिक पर, विच इज़ इंडिविजुअल। इस वीडियो में आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन करते हैं। एक इंडिविजुअल हो सकता है कि वो रेजिडेंट हो, एक इंडिविजुअल एक नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, और हमारा एक थर्ड पार्ट भी आ चुका है जो कि अमेंडमेंट है, जो कि है डीम्ड रेजिडेंट। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक्चुअली रेजिडेंट है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उनको खींच कर बिल्कुल ज़बरदस्ती रेजिडेंट बना देती है, तभी हमने उनका नाम क्या बोला है, डीम्ड रेजिडेंट। ओके, आइए समझते हैं। तो उस इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनाने के लिए हम कुछ कंडीशंस देखते हैं, अगर उसने वो कंडीशंस फुलफिल करी तो वो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन सकता है इंडिया का। तो क्या कंडीशन होती है, तो सबसे पहली जो कंडीशन एक इंडिविजुअल को पूरी करनी होती है कि क्या वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा है। हो सकता है कि वो 182 डेज से ज़्यादा रहा हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट बात हो जाती है कि वो एक रेजिडेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो ये फुलफिल ना कर पाए। तो जब वो ये फुलफिल नहीं कर पाता तो उसको मिलता है सेकेंड मौका ये प्रूफ करने का कि वो इस इंडिया का रेजिडेंट है। तो इस कंट्री का रेजिडेंट होने के लिए दूसरी कंडीशन जो उसको पूरी करनी होती है, अगर उसने 182 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं करी है, तो दूसरी कंडीशन ये आती है कि क्या वो 60 डेज के लिए इंडिया में रहा है। 60 डेज के लिए कब रहा है, 60 डेज या उससे ज़्यादा रहा है इंडिया में कब, इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये 182 डेज की प्रीवियस ईयर की बात हो रही थी। एंड ध्यान रखिएगा, एंड 365 डेज और मोर, यानी कि इससे ज़्यादा या इक्वल टू 365 डेज इन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसके चार जो साल हैं पहले, उन चार सालों में क्या वो टोटल 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा है। ठीक है, अगर रहा है तो यहाँ भी हम उसे रेजिडेंट ही मानते हैं। ध्यान रखिएगा,
कि इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होगी, या तो 182 डेज या 60, हो सकता है दोनों भी हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी होती है तो हम इस इंडिविजुअल को रेजिडेंट मानेंगे। लेकिन अगर इनमें से ये वाली कंडीशन आप देख रहे हैं और 60 डेज पूरा कर रहा है वो, लेकिन 365 डेज नहीं कर रहा, तो भी हम उसे रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एंड है, 60 डेज भी होना चाहिए प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए इन फोर प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर्स। तो ये जो कंडीशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। जो बेसिक कंडीशंस पूरी कर दी तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे, ठीक है, बेसिक कंडीशंस। इन बेसिक कंडीशंस में से जैसे मैंने कहा कोई भी एक पूरी हो जाए तो आप रेजिडेंट मान लिए जाते हैं। तो हम लोग जो अभी तक हमने पढ़ा उसको एक बार समझते हैं दोबारा से। एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब माना जाएगा, तो उसके पास दो बेसिक कंडीशंस हैं जो कि वो पूरी कर सकता है। पहली बेसिक कंडीशन है कि वो 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो इंडिया में, कब रहा हो, इन प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, कि वो 60 डेज से ज़्यादा रहा हो या 60 डेज रहा हो इन प्रीवियस ईयर, एंड ज़्यादा या इक्वल टू 365 डेज इन फोर प्रीवियस ईयर का प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशंस पूरी हो जाती है तो हम उस इंडिविजुअल को रेजिडेंट बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल हो सकता है रेजिडेंट हो, अगर वो रेजिडेंट है तो हो सकता है कि वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जिसको हम बोलते हैं ROR, और हो सकता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट ordinary resident and resident which is not ordinary, ठीक है, आप इसको NOR भी बोल सकते हैं, non ordinary resident। अब ये कैसे पता लगता है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि वो resident है, वो कैसे पता लगा, किसी भी basic condition में से जो हमारी दो basic conditions है उनमें से कोई भी एक पूरी हो चुकी है तो यानी कि वो resident तो है, ये समझ हमें आ गया। लेकिन क्या वो ROR है या वो RNOR है, ये कैसे पता लगा, तो उसके लिए दो additional conditions होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एडिशनल कंडीशंस दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है कि एक पूरी करनी तो आप रेजिडेंट बन जाए ROR बन जाएंगे, दोनों ही पूरी करनी चाहिए। अगर आप दोनों ही पूरी कर रहे हैं तो आप ROR हैं, लेकिन अगर आप नहीं पूरी कर रहे हैं तो RNOR है। आइए देखते हैं क्या होती है बेसिक एडिशनल कंडीशंस। फर्स्ट होती है हमारी, जो भी एक इंडिविजुअल है वो एटलीस्ट 2 out of 10, मतलब कि 10 साल जो है हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, जो भी हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं उससे पहले के 10 में से 2 में एटलीस्ट वो रेजिडेंट हो, ठीक है। एन इंडिविजुअल जो कि एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर हैज टू बी इन इंडिया, ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन, एडिशनल कंडीशन इज दैट इंडिविजुअल has been India for at least 730 days. तो कितना होना चाहिए, at least India में होना चाहिए 730 days. ये कब होना चाहिए, in 7 previous preceding previous, ठीक है, जो भी relevant previous year है उससे पहले के जो 7 साल हैं at least उसमें 730 days तो India में होना चाहिए। तो अगर ये दोनों condition fulfill हो जाती हैं, यानी कि एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग ईयर्स, तब आप एक ROR माने जाएंगे, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से आप एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और एक नहीं कर रहे हैं तो आप RNOR ही माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तब तो ठीक है, आप ROR हैं। लेकिन अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और दूसरी हो रही है, ठीक है, तब आप RNOR मान जाएंगे, और दोनों ही नहीं हो रही तब भी आप RNOR ही माने जाएंगे, ठीक है। दोनों ही नहीं हो रही तब भी आप RNOR ही माने जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दोनों कंडीशन का फुलफिल होना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आप RNOR माने जाएंगे, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आया हो। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर बेसिक कंडीशन में कोई भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप रेजिडेंट है, लेकिन आगे हमें ये चेक करना होता है कि वो जो रेजिडेंट है वो ROR है या RNOR है, ठीक है। तो वो एडिशनल कंडीशन ध्यान दीजिएगा, दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों ही फुलफिल हैं तो आप एक रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और अदरवाइज आप रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है। एटलीस्ट 2 out of 10
ईयर्स में जो होंगे हमारे इन, ध्यान दीजिएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स आप इंडिया में होने चाहिए. दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. 7 साल पिछले हम देखते हैं जिसमें एटलीस्ट 730 डेज को आप इंडिया में होने चाहिए. तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल आप कर रहे हैं तो आप एक ROR हैं, अदरवाइज आप RNOR हैं, अदरवाइज. सो आई होप आपको ये इंडिविजुअल की बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस समझ आई हो.